बच्चों, आज हम क्लास 9 इंग्लिश की द एडवेंचर ऑफ टोटो की जो पार्ट 3rd, 4th, 5th है उनकी वर्कशीट के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। जो वर्कशीट है वो इस प्रकार है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर पे ए विजिट टू द स्टेबल। तो ग्रैंडफादर जो दादाजी थे वो अस्तबल में क्यों गए थे, तो इसका आंसर है ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू द स्टेबल टू सी इफ टोटो वाज कंफर्टेबल। तो ग्रैंडफादर जो दादाजी थे वो अस्तबल में इसलिए गए थे कि टोटो वहाँ आरामदायक है या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वाज नाना, नाना कौन था, तो इसका आंसर है नाना वाज द फैमिली डंकी। तो नाना था वो एक गधा था जो पालतू भी था। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड टोटो टेक ए बाथ, टोटो कहाँ स्नान करता था, तो इसका आंसर है टोटो टुक बाथ इन ए टब ऑफ वार्म वाटर, टोटो गर्म पानी में नहाता था। इट पुट इट्स लेग इन द वाटर वन बाय वन एंड अप्लाइड सोप एज वेल, वो अपनी एक एक करके टांग को अंदर लेता था और फिर पूरे शरीर पे साबुन लगाता था। एज मंकीज वर गुड एट एपिंग अदर्स, मंकी है वो नकल करने में बहुत अच्छे होते हैं। सो टोटो हेड लर्न्ड प्रॉपर स्टेप्स ऑफ बाथिंग वाइल वॉचिंग द नरेटर डूइंग द सेम। तो टोटो ने जो नहाने का तरीका था वो नरेटर जो कहानी लिखते हैं उनको देखकर सीखा था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो, दादाजी थे उन्होंने टोटो को क्यों बेचा, इसका आंसर है ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो टू टोंगा ड्राइवर। तो ग्रैंडफादर जो दादाजी थे उन्होंने टोटो को टोंगा ड्राइवर को बेच दिया था। बिकॉज, क्योंकि ही वाज सो ट्रबल्ड हिज फैमिली एंड एज वेल एज ग्रैंड मदर। तो जो टोटो बंदर था उन्होंने पूरे परिवार को समस्या में डाल दिया था और सबको परेशान करता था। सो ग्रैंडफादर नॉट टू टेक एनी अनदर रिस्क दैट वाज डन बाय द टोटो, इसलिए जो दादाजी थे वो और ज़्यादा रिस्क समस्याएं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे जो टोटो द्वारा हरकतें की जा रही थी उनको देखकर। टोटोज न्यूजेंस केप्ट इंक्रीजिंग डे बाय डे, ही बिगेन डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग ही कुड ले हिज हैंड्स ऑन। तो टोटो की जो हरकतें थी वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी और वह घर की सभी चीज़ों को तोड़ने में या नष्ट करने में लगा हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड ही गेट फ्रॉम सेलिंग टोटो। तो इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है, जो दादाजी थे उन्होंने टोटो को बेचकर कितने रुपए प्राप्त किए, तो इसका आंसर है ग्रैंडफादर गॉट ओनली 3 रुपीज फ्रॉम सेलिंग टोटो। तो ग्रैंडफादर जो दादाजी थे उन्होंने 3 रुपए प्राप्त किए टोटो को बेचकर।